आज आपने सुनील शर्मा जी को अप्रिसिएशन लेटर दिया है, किस रिगार्डिंग दिया, कुछ बताएंगे ज़रा? जी बिल्कुल, जब से कर्फ्यू लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से ITV फाउंडेशन की तरफ से एक मुहिम जो चलाई गई थी कि चंडीगढ़ शहर में कोई भी भूखा ना सोए, और उसी के सिलसिले में श्री सुनील शर्मा जी ITV फाउंडेशन और आज समाज समूह से जो जुड़े हुए हैं वो हर जगह चंडीगढ़ के हर एक नुक एंड कॉर्नर में पहुँचे हैं। उन्होंने चंडीगढ़ में जो चीज़ें हैपनिंग्स हो रही थी उसको बखूबी से कवर किया है, दिन रात कोई भी टाइम देखे बगैर और अपनी जान की परवाह किए बगैर कोविड महामारी के इस समय में रिस्क लेके भी उन्होंने जो है पूरे चंडीगढ़ को कवर किया है। और इनकी खासियत ये है कि ये पॉजिटिव कवरेज जो है लोगों को देते हैं, जिससे लोगों को इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती है, तो बहुत ही आशावादी रूप से इन्होंने अपने कार्य को निभाया है। तो मैं भी आशा करती हूँ कि इन फ्यूचर इनके सारे सपने सच हो और ये कोरोना महामारी से हम सभी जल्द से जल्द मुक्त हों। देश ने जो अभी कोरोना का विपत्ति काल झेला है उसमें जितनी हमने इम्पोर्टेंस डॉक्टर्स की थी या सफाई कर्मचारियों की थी उतनी हमारे प्रेस बंधुओं की भी थी। प्रेस के लोगों ने भी अपनी जान की परवाह ना करते हुए हर जगह पर जाके कवरेज करी और देश को दिखाया कि जैसे क्या क्या हाल है, जैसे श्रमिक पैदल जा रहे थे, किसी को खाना नहीं मिल रहा, और उन्होंने जो जो रिपोर्टिंग करी वो भी सराहनीय है। तो आज हम सुनील जी के यहाँ पर आए हैं, इन लोग इन्होंने भी बहुत बहुत इवन कंटेमिनेट जोन्स थे वहाँ पे भी गए और हर जगह इवन जो अपना हॉस्पिटल थे वहाँ पे भी गए और सब इन्होंने कवरेज करी। आज हम इनका आभार जताने आए हैं एज अ कोरोना वॉरियर कि ये भी उतने ही हमारे लिए सम्माननीय हैं जितने के डॉक्टर्स हैं। हम आज इसलिए इनके घर पर आए हैं। मैं नवीन जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो अपनी पूरी टीम, अनिल दुबे जी हैं हमारे अच्छे दोस्त हैं, हमें भी इन पर भरोसा है कि हमारे दोस्त अच्छे हैं, तो ये पूरी टीम के साथ आए हैं। मैं इनका बहुत शुक्रिया करता हूँ कि इन्होंने अगर मेरे को इस लायक समझा तो ये मेरे घर तक आए। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ नवीन जी आपका भी और आपकी पूरी टीम। थैंक यू।